हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से हमारे साथ हमारी नई वीडियो में। दोस्तों, आकांक्षा जुनेजा को तो आप सब जानते ही होंगे। आकांक्षा अपने नेगेटिव रोल के लिए जानी जाती हैं और ये बहुत सारे पॉपुलर सीरियल्स में काम कर चुकी हैं। और आज की डेट में आकांक्षा जी टीवी के पॉपुलर सीरियल कुंडली भाग्य में नजर आ रही है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आकांक्षा जुनेजा की लाइफ स्टाइल एंड बायोग्राफी के बारे में, जहां पर हम आपको इनकी लाइफ से जुड़ी सभी बातें बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते हो। तो हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए, और अगर आपको भी आकांक्षा पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इनका रियल नेम है आकांक्षा जुनेजा और निक नेम है आकांक्षा। प्रोफेशन की बात करें तो ये टीवी एक्ट्रेस एंड मॉडल है। अब बात करते हैं इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। इनका जन्म 30 मार्च 1990 को हुआ था और 2023 के हिसाब से अभी इनकी एज है 33 ईयर्स। इनका बर्थ प्लेस एंड होम टाउन दिल्ली, इंडिया है, और इनका करंट एड्रेस मुंबई, महाराष्ट्र है। रिलीजन की बात करें तो ये हिंदू धर्म से बिलोंग करती हैं और नेशनलिटी से इंडियन है। अब जान लेते हैं इनकी फैमिली के बारे में। इनके फादर का नेम है महेश जुनेजा एंड इनकी मदर का नेम है नेहा जुनेजा। इनकी सिस्टर भी है जिनका नेम है नव्या जुनेजा। हॉबी की बात करें तो इन्हें स्विमिंग और डांसिंग पसंद है। अगर बात करें फिजिकल अपीयरेंस की तो इनकी हाइट है अप्रोक्स 160 सेंटीमीटर यानी कि 5 फीट 3 इंचेस एंड वेट है अप्रोक्स 51 किलोग्राम। तो चलिए अब बात करते हैं इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। इन्होंने अपनी स्कूलिंग सेंट जेवियर स्कूल दिल्ली से कंप्लीट की है एंड अपना कॉलेज इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड आरके फिल्म्स एंड मीडिया एकेडमी दिल्ली से कंप्लीट किया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है एंड मीडिया स्टडीज में कोर्स किया है। तो अब जान लेते हैं इनके करियर और जर्नी के बारे में। आकांक्षा ने अपना टीवी डेब्यू 2010 में टीवी शो दो सहेलियां किस्मत की कठपुतलियां से किया, जिसमें इन्होंने भुवनामिता का रोल प्ले किया था। 2010 में ही ये और भी शोज में नजर आई जैसे CID, थोड़ा है बस थोड़े की जरूरत है और महायात्रा रिश्तों का अनोखा सफर एंड हमारी बेटी राज करेगी में। फिर 2011 में ये टीवी शो मन की आवाज प्रतिज्ञा में नजर आई और नीलिमा का किरदार निभाया। 2012 से 2013 तक इन्होंने दिल से दी दुआ सौभाग्यवती भावा में काम किया और तनीषा बोहरा का रोल प्ले किया। फिर 2013 में टीवी शो बड़े अच्छे लगते हैं में आयशा शर्मा कपूर के रोल में दिखाई दी। 2013 से 2014 में इन्होंने साथ निभाना साथिया में काम किया और दक्षा प्रजापति का रोल निभाया। 2014 में ही इन्होंने और भी शोज किए हैं जैसे इमोशनल अत्याचार, द एडवेंचर्स ऑफ हातिम, अदालत एंड सावधान इंडिया में। 2014 से 2015 तक उन्होंने ये दिल सुन रहा है में काम किया और तनुश्री वर्मा का रोल प्ले किया। 2015 में टीवी शो भंवर में नजर आई और निकिता सिंगल का रोल प्ले किया। 2015 से 2016 तक इन्होंने टीवी शो मेरी आशिकी तुमसे ही में काम किया और नैना सिंह अहलावत का रोल प्ले किया। 2018 में टीवी शो इश्क में मरजावा में वेदिका द्विवेदी का रोल प्ले किया। 2018 में ही ये टीवी शो इश्कबाज में नजर आए जहां पर इन्होंने सिद्धि माई का रोल प्ले किया। 2020 से 2022 तक इन्होंने टीवी सीरियल साथ निभाना साथिया सीजन 2 में काम किया और कनक ढोलकिया देसाई का रोल प्ले किया और अभी 2023 में ये जेड टीवी के पॉपुलर शो कुंडली भाग्य में नजर आ रही हैं, जहां पर यह निधि हिंदुजा लूथरा का रोल प्ले कर रही हैं और यह इनका नेगेटिव रोल है। तो दोस्तों, आपको निधि का रोल कितना पसंद है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और ये भी बताना कि आपको आकांक्षा जुनेजा का कौन सा सीरियल सबसे ज्यादा पसंद है। 2013 में ही इन्होंने अपना फिल्म डेब्यू भी किया, फिल्म बैंग बैंग बैंगकॉक से, जिसमें इनका छोटा सा रोल था। 2021 में ही इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस इन नेगेटिव रोल एंड पॉपुलर एक्ट्रेस इन नेगेटिव रोल के लिए अवार्ड मिला। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इनके रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में। मैरिटल स्टेटस की बात करें तो ये अनमैरिड हैं एंड रिलेशनशिप स्टेटस की बात करें तो ये आकाश पाटीदार को डेट कर रही हैं। इसका खुलासा इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पेज पर किया था, लेकिन कुछ वेबसाइट्स का कहना है कि ये सिंगल हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इनके मनी फैक्टर के बारे में। सैलरी की बात करें तो ये लगभग 30 से 40 हजार रुपए पर एपिसोड चार्ज करती हैं। नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ है अप्रोक्स $2 मिलियन। तो दोस्तों, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी।
अगर आपको लाइफस्टाइल पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि नेक्स्ट लाइफस्टाइल आपको किस सेलिब्रिटी की चाहिए। तो चलिए अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।